फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूँ आपकी अपनी रूपाली फ्रॉम डीजे साइंस एकेडमी। देखिए बच्चों, कल तक हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्टडी किया। उसमें जो टाइप है वो सारे पूरे के पूरे एक्सप्लेन कर लिए हैं। अब हम जाने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, अब पहले हम उसे प्लांट में स्टडी करेंगे और फिर बाद में जाके ह्यूमन में। देखिए, मैं टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टडी करने के लिए मैं पहले फ्लावर की तरफ जाती हूँ। और जो फ्लावर है, वो फ्लावर के जो पार्ट्स है वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। देखिए, पहले हम देखेंगे वॉल्स। वॉल्स मतलब क्या, कि कोई भी चीज सर्कुलर पैटर्न में अरेन्ज हो जाना। क्या? कोई भी चीज सर्कुलर पैटर्न में अरेंज हो जाना, उसे हम कहते हैं वॉल्स। मतलब सम थिंग्स आर अरेंज इन ए सर्कुलर पैटर्न। सम थिंग्स आर अरेंज इन ए सर्कुलर पैटर्न, दिस कॉल्ड एज ए वॉल्स। अब देखिए, फ्लावर में जो वॉल्स होते हैं उसमें टू मेन टाइप होते हैं। पहला होता है एसेसरी और दूसरा होता है एसेंशियल। देखिए, पहला होता है एसेसरी और दूसरा होता है एसेंशियल। दूसरा होता है एसेंशियल। अब देखिए, थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूं। एसेसरी और एसेंशियल। अब देखिए, एसेसरी वॉल जो है वो फिर से जाके टू पार्ट में डिवाइड हुए हैं। एसेसरी वॉल्स जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कैलिक्स और दूसरा होता है कोलोन। फर्स्ट एसेसरी वॉल मतलब, देखिए, वॉल जो है वो फोर टाइप्स के होते हैं। क्या? फोर टाइप्स के। टू आर एसेसरी एंड टू आर एसेंशियल। टू आर एसेसरी एंड टू आर एसेंशियल। पहला जो है एसेसरी में वो है कैलिक्स। फर्स्ट एसेसरी वॉल इज ए कैलिक्स। सेकंड एसेसरी वॉल इज ए कोरोना। उसके बाद थर्ड एसेंशियल वॉल जो है वो होता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम और दूसरा होता है फोर्थ गायनोशियम। दूसरा क्या होता है? गायनोशियम। देखिए, फोर टाइप के वॉल। पहला एसेसरी वॉल है कैलिक्स, दूसरा एसेसरी वॉल है कोरोला, थर्ड एसेंशियल वॉल है एंड्रोशियम एंड फोर्थ एसेंशियल वॉल है गायनोशियम। इसका ये समझ में आया? अब मैं ये जो फ्लावर यहाँ पर ड्रॉ किया है उसमें कौन सा पार्ट एसेंशियल है और कौन सा एसेसरी है वो बता देती हूँ। देखिए, ये जो ग्रीन वाला पार्ट होता है बॉल का, यहाँ पे वो क्या होता है? फर्स्ट एसेसरी वॉल कैलिक्स। जो सर्कुलर पैटर्न में अरेंज होती है ना चीज, मतलब जब कभी फ्लावर पूरा फूला नहीं होता है, बंद होता है ना, मुंह उसका बंद होता है, तो उसके ऊपर एक ग्रीन कवरिंग होता है, पत्तियां की जैसा ग्रीन कवरिंग होता है, उसे हम क्या कहेंगे? कैलिक्स। फिर जाके अगर बाद में हम देखेंगे तो ब्यूटीफुल कलर के कुछ पार्ट्स होते हैं पत्तियों की जैसे, उसे हम क्या कहेंगे? कोरोला। यहाँ ठीक है। फिर ये जो पार्ट दिख रहा है हमें वो क्या होगा? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम
और जो मेन रिप्रोडक्टिव वर्ल्स होता है, पार्ट्स होता है, वो होता है गायनोशन। है एंथर, ऊपर का जो पार्ट है उसे कहते हैं एंथर।
नेचर में जैसे डंडी वाला सपोर्ट करने वाला पार्ट है उसे कहते हैं फिलामेंट, उसे क्या कहते हैं फिलामेंट। समझ में आया ये क्या है? एंड्रोशन, एंड्रोशन मतलब क्या? स्टैमेन। ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्शन होने के लिए जरूरी पार्ट है। अब देखिए एंड्रोशन जो है वो टू टाइप्स में डिवाइड है, नीचे वाला दंडी की तरह उसको सपोर्ट करने वाला जो पार्ट है उसे हम कहेंगे फिलामेंट, और ऊपर का वाला जो पार्ट है उसे हम कहेंगे एंथर। देखिए जो एंथर है वो बायलोब होता है, क्या होता है? बायलोब। एंथर जिसे बायलोब, और वो क्या करता है बच्चों? इट प्रोड्यूस अ पोलन ग्रेन, इट प्रोड्यूस ए पोलन ग्रेन। वो क्या प्रोड्यूस करता है? पोलन ग्रेन, जो कि रिप्रोडक्शन होने के लिए जरूरी चीज होती है। समझ में आया ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ पे जो गायनोशन दिख रहा है वो होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिख जाएगा क्या पे? देखिए दिख रहा है, यहां पर ड्रॉ करती हूं। यहाँ पे मैं डाल देती हूँ पहले उसका, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ओके। इसे हम क्या कहते हैं? गायनोशियम। गायनोशियम देखेंगे। देखो बच्चों ये नीचे जो स्वेलन बेस पार्ट दिख रहा है उसे हम कहेंगे ओवरी, उसे क्या कहेंगे? ओवरी, ओवरी, ठीक है। और ऊपर जो दिख रहा है उसे हम कहेंगे स्टिग्मा, उसे क्या कहेंगे हम? स्टिग्मा। और स्टिग्मा और ओवरी को मिलाने वाला जो ट्यूब होता है, जो कनेक्टिव ट्यूब होता है उसे हम कहेंगे स्टाइल, उसे क्या कहेंगे? स्टाइल। ये हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये क्या हुआ? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। समझ में आया? समझ में आया क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट? यहाँ पे गायनोशियम जो है वो क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो मैंने सेपरेटली यहाँ से उठा के यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। उसमें जो स्वेलन बेस पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? ओवरी। और जो ऊपर का वाला पार्ट होता है उसे हम कहेंगे स्टिग्मा, और स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करने वाला जो ट्यूब है उसे क्या कहेंगे हम? स्टाइल। समझ में आया इतना? देखिए बच्चों, और जब ये जो ओवरी होती है वो हमारे सिंपल आइज को दिखता नहीं है, उसके बीच में एक स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, इस तरह का, तो उसे हम कहते हैं ओव्स। क्या कहते हैं? ओव्स। उसे हम क्या कहते हैं? ओव्स। अब देखिए बच्चों, जब कभी भी क्या हो जाएगा, जो पोलन ग्रेन है यहाँ पे, वो पोलन ग्रेन जब कभी क्या हो जाएगी? स्टिग्मा के ऊपर बैठ जाएंगे, मतलब क्या होगा? रिप्रोडक्शन होगा, तो
तो रिप्रोडक्शन होने के बाद क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ये जो ओवूल है वो ओवूल गेट कन्वर्टेड इनटू द सीड्स, ओवूल गेट कन्वर्टेड इनटू द सीड्स एंड ओवरी गेट कन्वर्टेड इनटू ए फ्रूट, ओवूल गेट कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट। मतलब जब जो भी पार्ट्स हम खाते हैं फल का, हाँ फ्रूट्स का, वो क्या होता है ओवरी, और उसमें जो सीड्स निकलते हैं वो क्या होते हैं ओवरी। समझ में आया? ठीक है, ये सब समझ में आया हो तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन एक बार कैसे लिखना है वो अब आपको बता देती हूँ। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, प्लांट्स में ये डायग्राम मैंने फ्लावर के रूप में निकाल दिया है। अब देखिए बच्चों, इन ए प्लांट फोर बॉल्स आर प्रेजेंट, फोर बॉल्स आर प्रेजेंट। फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए प्लांट, फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए प्लांट एंड देन इट कंसिस्ट ऑफ फोर बॉल्स, इट कंसिस्ट ऑफ फोर बॉल्स, टू आर एसेसरी एंड टू आर एसेंशियल। एसेसरी बॉल्स आर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, फर्स्ट एसेसरी बॉल्स इज ए कैलिक्स, सेकंड एसेसरी बॉल इज ए कोरोला, थर्ड एसेंशियल बॉल इज ए एंड्रोशियम एंड फोर्थ एसेंशियल बॉल इज ए गायनोशियम। इतना समझ में आया? फिर एक एक हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, फर्स्ट एसेसरी बॉल कैलिक्स, फर्स्ट एसेसरी बॉल इज ए कैलिक्स, इट ए कैलिक्स इज इंक्लूडेड और इट इज अ मेड अप ऑफ क्या, कैलिक्स इज अ मेड अप ऑफ सेपल, कैलिक्स इज ए मेड अप ऑफ सेपल विच इज ग्रीन इन कलर, विच इज ग्रीन इन कलर, विच इज प्रोटेक्ट ए फ्लावर, विच इज प्रोटेक्ट ए फ्लावर एंड दे परफॉर्म ए फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे परफॉर्म ए फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। कैलिक्स क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। बाद में जाके दूसरा क्या है? कोरोला, इट इज ए मेड अप ऑफ क्या, पेटल्स, इट इज ए मेड अप ऑफ पेटल्स विच इज ए ब्यूटीफुल कलर, विच इज ब्यूटीफुल कलर एंड दे आर अट्रैक्ट, दे आर अट्रैक्ट टू, दे आर अट्रैक्ट टू ह्यूमन मी, ह्यूमन नहीं इंसेक्ट, दे आर अट्रैक्ट इंसेक्ट, इसके लिए पॉलिनेशन करने के लिए, क्या करने के लिए, पॉलिनेशन करने के लिए। कोरोला विच इज ब्यूटीफुल कलर, दे परफॉर्म अ फ्रेग्रेंस एंड विच इज इन विच इज वो क्या कहते हैं हम उसे, विच इज अट्रैक्ट ए इंसेक्ट। समझ में आया? फिर बाद में हम देखेंगे एसेंशियल वर्ड एंड्रोशियम विच इज मेड अप ऑफ ए स्टैमेन, विच इज मेड अप ऑफ ए स्टैमेन, स्टैमेन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, स्टैमेन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, दे डिवाइड इनटू द टू पार्ट फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट इज ए गैमेटोफाइट, फिलामेंट इज ए मेल गैमेटोफाइट, देन एंथर, एंथर इज ए बायलो एंड दे प्रोड्यूस ए कोलम्ब्रिन, दे प्रोड्यूस ए कोलम्ब्रिन। समझ में आया? अब क्या है? फोर गायनोशियम, एसेंशियल वर्ड इज ए गायनोशियम, दे आर मेड अप ऑफ ए, दे आर मेड अप ऑफ ए कार्पेट्स, दे आर मेड अप ऑफ ए, बच्चों आपका ध्यान नहीं है, दे आर मेड अप ऑफ ए कार्पेट्स। देखिए, विच इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, विच इज मेल रिप्रोडक्टिव सॉरी विच इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, दे आर डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, ओवरी स्टिग्मा मतलब क्या, स्टिग्मा जो है उसे हम कह सकते हैं टिप ऑफ कार्पेल, टिप ऑफ कार्पेल, कार्पेल
स्टार्ट। समझ में आया कंप्लीट एक्सप्लेनेशन? और मैंने बाद में क्या बताया था, जब मतलब अभी बता देती हूँ। देखिए इसको हमने पूरा क्या कहा है, अंडर शेम और आउटर शेम को क्या कहा है, रिप्रोडक्टिव पास। यहाँ पे मैंने क्या बताया, एंथर जो है यहाँ पे, ये एंथर वो क्या करता है, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, और वो पोलन ग्रेन यहाँ से निकल के क्या हो जाते हैं, स्टिग्मा, इस स्टिग्मा पे बैठ जाते हैं, तब क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन हो जाता है। अब जब रिप्रोडक्शन हो जाएगा तो जो ओरी है, ओरी के बीच में जो ओवल्स होते हैं उसका कन्वर्जन क्या किसमें हो जाएगा, सीड्स में, और ओरी जो है उसका क्या हो जाएगा, फ्रूट। मतलब आफ्टर द रिप्रोडक्शन, आफ्टर द रिप्रोडक्शन ओवल गेट कन्वर्टेड इनटू द सीड्स एंड ओरी गेट कन्वर्टेड इनटू द फ्रूट्स। ये हुआ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ड। इतना जो है वो समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट पार्ट हमें देखना है पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन देखने के लिए हम नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेक्चर में वो पार्ट देखेंगे। अगर इतना आपको समझ में आया होगा तो मेरे लेक्चर के लिए प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें।